अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत शिवराज सिंह चौहान की। नमस्कार साथियों, आज पॉट पिटारा की टीम पहुंची है झीलों की नगरी भोपाल में। आज कोई उत्सव सा माहौल है शहर में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चारों तरफ बधाई संदेशों के अंबार लगे पड़े हैं। इस खुशहाली को निहारते हुए हम जा पहुंचे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सीता शरण शर्मा जी के पास। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहली मुलाकात श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कब और कहां हुई? जब माननीय शिवराज सिंह जी प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, तब वो बैतूल दौरे पर जा रहे थे और तभी मेरी मुलाकात उनसे इटारसी में हुई, एक युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के प्रतिष्ठान पर। और फिर मैंने उनको शाम को लौटने के समय अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और फिर वहीं हमारी लंबी चर्चा हुई। उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो उनके गुण हैं वो ये है कि एक तो वो अत्यंत सहज और सरल है। मैंने किसी भी मुख्यमंत्री को इतना सरल नहीं देखा। और जो उनका एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सतत चिंतन करते हैं प्रदेश की जनता का। मैं जब भी उनके साथ कभी अकेले के क्षणों में बैठता हूँ, विधानसभा में अक्सर मौका आता है कि वो चैम्बर में आ जाते हैं, वो हमेशा जनता की ही बात करते हैं कि मैं जनता का भला कैसे कर सकूं। तो निश्चित ही उनके मन में निरंतर आज जो उनको पद मिला है ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से, उसके एक एक क्षण का उपयोग वो पब्लिक के लिए करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वो एक छोटे गरीब परिवार से निकले और आज तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। तो आपका उनके स्वभाव के बारे में, जैसे आपने कहा कल हम बात कर रहे हैं, आज 5 मार्च को उनका जन्म दिवस है, तो आप अपनी तरफ से क्या शुभकामनाएं उनके लिए प्रेषित करेंगे? एक बात तो स्वभाव के बारे में और कि अत्यंत निश्चल व्यक्तित्व। अमरकंटक में जब अभी नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ हुई तो हम लोग सब उस टूरिज्म के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। मुख्यमंत्री जी 8 किलोमीटर के करीब की पदयात्रा करके आए, मैं थोड़ा पहले आ गया था और विश्राम किया। शाम को उतरा तो मैंने देखा कि तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये कहाँ ठहरे हैं क्या है। पता लगा वो एक आश्रम में ठहरे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो गेस्ट हाउस में नहीं रहकर ठहर करके आश्रम में ठहरता है, वो स्वयं ही अद्भुत व्यक्तित्व का धनी हो सकता है। 5 मार्च को उनका जन्मदिवस है, मेरी यही शुभकामनाएं उनके लिए कि वो दीर्घायु हों, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें और इस प्रदेश की सेवा, इस प्रदेश का नेतृत्व और हम लोगों का नेतृत्व निरंतर अनेक वर्षों तक करते रहें और प्रदेश की जनता के हित में अपनी सारी शक्ति को लगा करके काम करें, यही शुभकामनाएं। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए पॉट पिटारा टीम आपको धन्यवाद देती है।